नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिना दवाई स्वास्थ्य की कमाई में। आज मैं ये वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी जो कॉमन हो चुकी है और सभी को है, यंग एज में भी है, थोड़ा सा बड़े उम्र के हैं उनको तो है ही है, जिसका नाम है साइटिका। कमर के दर्द से लेकर के और नीचे पैर की एडी तक के दर्द को आज ये वीडियो निकालेगी। चाहे वो L5-S1 के बीच में नर्व कंप्रेशर में है, जिसको बोलते हैं सियाटिका का पेन, या एडी का दर्द, या घुटने का दर्द, या पूरे पैर का दर्द, या कुल्ले का दर्द, चाहे कोई भी दर्द है, आज ये वीडियो आपके हर दर्द को दूर करेगी और हमेशा के लिए करेगी। लेकिन आप वीडियो को अंत तक जरूर देखोगे। गलती हम यही करते हैं, जैसे ही मैंने बोलना स्टार्ट किया और सुना और तुरंत आगे की तरफ चल दिए। इम्पोर्टेंट है, अगर आपको दर्द है आपकी तो हेल्प करेगी ही करेगी, कोई रिश्तेदारी में रिलेटिव के पास कोई ये दिक्कत है तो उनकी भी मदद होगी। तो वीडियो थोड़ा सा टाइम निकाल के, 5 मिनट 10 मिनट का टाइम निकाल के इसको अंत तक देखो, ताकि आप अच्छे से समझ सको कि दर्द क्या है और कैसे हम इसको बिना किसी दवाई के, केवल इन हाथों के द्वारा ठीक कर सकते हैं। ना कोई मशीन लगानी, ना कोई दवाई खानी, ना कोई आपको सिकाई का ताम झाम करना, कुछ नहीं करना, बैठे बैठे अपने बेड के ऊपर आप इसको हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो इसको जानने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन भी दबाएं और वीडियो को शेयर भी करें। अब हम वीडियो शुरू करेंगे कि साइटिका है क्या, क्यों हो जाता है और कैसे हम इसको हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे इसके कारण। जैसे बेड पोस्चर के बैठने से, आपकी रीढ़ की हड्डी का पोस्चर बेंड होने से ये समस्या आती है, जिसको बोलते हैं L5-S1 के बीच में नस दबी हुई है, डिस्क बल्ज है आपकी, और इसीलिए आपका दर्द कमर से शुरू होकर और नीचे पैर तक जाता है। ये दर्द कम भी हो सकता है और बहुत ज्यादा तीव्र भी हो सकता है, बहुत ज्यादा क्रोनिक भी हो सकता है, रात को सोने नहीं देता और इतना क्रोनिक पेन इसका होता है, जैसे एक किडनी स्टोन वाले का दर्द उठता है ना, ऐसे ही दर्द उठता है पूरा कमर से लेकर के और नीचे पैर तक। एडी के दर्द का कारण भी ये साइटिका नर्व का कंप्रेशर ही है। घुटने में जो क्रोनिक पेन आएगा वो भी साइटिका के बल्ज होने से आएगा, क्योंकि ये हमारे शरीर की सबसे लंबी नस है, जो हमारे सिर से लेकर के और नीचे पैर की एडी तक आती है दोनों साइड से। लेकिन इसका मेन जंक्शन है वो है L5-S1 के बीच से, यहां से ये कई सारे पार्ट्स में बटके और हमारे पैर के भी विभिन्न हिस्सों में ब्लड पहुंचाने का काम करती है। जैसे हमारे घर की टंकी होती है ना, टंकी के अंदर पानी होगा तो हमारे घर के हर टैप में पानी आएगा, तो ऐसे ही हमारे शरीर की टंकी है ये, ब्लड की टंकी इसको मैं बोलूंगी अपनी लैंग्वेज में। अगर इसका टैंक फुल है तो आपका शरीर का सर्कुलेशन सही है। अगर इसके टैंक में दिक्कत आ गई, यहां तक ब्लड नहीं है, इसको प्रॉपर मात्रा में सर्कुलेशन नहीं मिल रहा, तो ये और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट पे इफेक्ट डालती है, क्योंकि आगे का सर्कुलेशन कम हो जाएगा। तो अब मैं बात करूंगी, साइटिका नर्व कंप्रेशर में आ गई, दर्द भी आ गया, चाहे हमारी गलती रही, चाहे कोई और कारण रहा या झटका लगा, जो भी रीजन, अब इसको ठीक कैसे करें। अब है आपको वीडियो देखने का आपका फायदा। इसको ठीक करने से पहले हमें अपने दो वर्टिब्रा जो आपस में बल्ज हो गए हैं L5-S1, उसको मूवमेंट देनी है, क्योंकि मेन रूट कॉज वही है, फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग। जब हमें कोई जिद्दी जोड़ मूवमेंट में लेके आना है, फ्लेक्सिबल करना है, तो उसकी अपोजिट साइड भी और सामने की साइड भी, हम दोनों साइड पे अपने बॉडी को मूवमेंट देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे, ये देखिए। जैसे सबसे पहले शुरुआत होगी आपकी, पैरों को ऐसे खोल लेंगे और यहां लंबर और सैक्रल के पीछे आप दोनों हाथों की हथेलियों को यूं रखेंगे, पैरों में 1.25 फीट का फासला रखेंगे और लंबा सांस लेते हुए अपने पेल्विक रीजन को आगे की तरफ पूरा धकेल देंगे और धीरे धीरे पीछे की तरफ रुकेंगे और फिर रिलैक्स। 5 से 6 बार आपको सिर्फ पीछे झुकना है और फिर सीधा रिलैक्स। जब आप 7वीं बार 8वीं बार बैक साइड जाएंगे तो आपको फिर यूं का यूं सांस खाली करके हिप्स बाहर निकालते हुए आगे की तरफ बेंड होना है। ये जब आप यहां आएंगे ना, तो आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि यहाँ पेल्विक बोन के बीचों बीच ये और घुटने के पीछे से लेकर के और एडी तक आपकी ये हैमस्ट्रिंग मसल्स इतनी ज्यादा स्ट्रेच है, कपड़े की तरह खिंच रही है, बहुत ज्यादा पेन है। तो धीरे 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 आपको नीचे जाना है। और मैं तो ये इतना भी कहूंगी कि आप डेली रूटीन बना लो कि मुझे 15 मिनट 10 मिनट जितना मेरे पास टाइम होगा तो मैं नीचे झुकूंगी। लेकिन झुकते टाइम आपको एक रूल फॉलो करना है, वो है ये
कि आप अपने घुटने को बैंड नहीं करोगे। अगर ये आपके घुटने यू बैंड हैं और आप नीचे झुक गए तो कोई फायदा नहीं है। आप अपने घुटने पूरे स्ट्रेट करिए, चाहे आपसे यहाँ तक आया जाए लेकिन घुटने सीधे रहेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे चलें, फिर और नीचे चलें। जैसे जैसे रबड़ की तरह ये मसल्स आपकी लूज और फ्री होगी, वैसे ही आप और ज़्यादा नीचे झुकने लग जाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा अभ्यास करते करते कि आप भी मेरी तरह ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे झुक जाओगे और यूं सिर लगाने में समर्थ हो जाओगे। ये सच्चाई है, प्रैक्टिस से परफेक्ट बनोगे। एक तो था ये वाला, इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जब हमने अपनी कमर को फॉरवर्ड बैंड बैकवर्ड बैंड किया तो हमारा ये L5S1 का जो जोड़ है ये थोड़ा सा खुला, और इसने जो नर्व कंप्रेसर में कर रखी थी वो खुली आपकी, ताकि ब्लड सर्कुलेशन पैर का इक्वल हो जाए। अब इसकी सेकंड एक्सरसाइज भी, अब दूसरी एक्सरसाइज बताऊंगी मैं आपको। ये देखिए, पहले आप अपने लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे और राइट हैंड के पास लेकर के आएंगे ऐसे, और फिर पीछे वाला जो पैर है इसको और ज्यादा पीछे लेके जाएं, और अब अपने घुटने को बैंड करते हुए दोनों हाथों के बीच में रखने की कोशिश करें, और फिर इस पैर को थोड़ा सा अपोजिट साइड लेकर के जाएं पीछे वाले पैर को, और अब धीरे धीरे आपको आगे की तरफ यूं झुकना है। ये आराम से आप अपनी थाई के ऊपर प्रेशर डाल दें और यहाँ होल्ड करें 2-3 मिनट कम से कम, चाहे 5 मिनट भी लेटे रहें। इसके डबल फायदे हैं, एक तो थाई का और बटक का फैट जाएगा, प्लस आपकी साइटिका नर्व जो कुल्ले की हड्डी ने पकड़ रखी है वो छूट जाएगी, और वहां से परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। जल्दी बिल्कुल नहीं करनी, इस पोजीशन में आपको 5 मिनट होल्ड करना है। आराम से अपना लेटे रहें और धीरे धीरे साइड बाय साइड अपने हिप्स को थोड़ा सा रोटेट करें ये, और इसके बाद फिर सेम दूसरे पैर से करेंगे। इतना करने के बाद फिर क्या करना है वो देख लो, दो उंगलियां इधर मिला लो और दो उंगलियां इधर मिला लो, जो इनके बीच की लाइन है ये, ऐसे सेम यही लाइन इसके बीच से सेंटर लाइन, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। जैसे हमारा ईयरफोन होता है उसकी पिन होती है लंबी, एक तो सी वाला चार्जर होता है और एक होता है पिन वाला चार्जर, चार्जर है या ईयरफोन की लीड है जो भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसी चीज लें। मेरे पास एक ऐसा पेन है जो आगे से उस लीड की तरह ही दिखता है, ये देखो। अब आपके पास पेन नहीं है तो आपको पेन नहीं खरीदना, मैं नहीं आपको सलाह दूंगी कि आप 200 रुपए का पेन लें तभी आप ठीक होंगे। कोशिश मेरी यही है कि घर की चीजों से ठीक किया जाए। तो आप उस ईयरफोन का ऐसा थोड़ा सा आगे से ये शार्प ना हो ऐसा वो ले लें चार्जर वगैरह, और इस लाइन को आराम से यूं थाई के ऊपर रख के और धीरे धीरे करके यूं इसको दबाना है ऐसे, और जहां पे आपको क्रोनिक पेन होना उस वाले पॉइंट को ज्यादा दबा के रखना है। अब ये तो आप ही चेक करेंगे कि कौन सी साइड दर्द है, ऐसे करके और यूं खींच के देख लें, प्रेशर डाल के आगे पीछे प्रेशर डाल के खींच के देख लें, जहां ज्यादा पेन लगे ना उसी नाड़ी को दबा लेना, और दबा के 2 मिनट तक दबा के ही रखना, टाइट दबा के बिल्कुल, और फिर छोड़ देना। बस इतना सा काम आपको करना है। अगर लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट साइड के हाथ पे कर ले, राइट है तो राइट के हाथ पे कर ले, दोनों साइड कर लिया, और नहीं है तो दोनों पे भी कर लोगे तो भी नुकसान नहीं है, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है आपका, ये एंकल है अपना, एंकल के नीचे जो ये हड्डी खत्म होती है यहां से एक ऐसे चांद बना लो यूं, और एक चांद दूसरे पैर में बना लो, और सेम यही चांद आप इस अंदर की साइड जो हड्डी खत्म होती है ना यहां बना लो, सेम दूसरे पैर में बना लो। अब इसे चांद पे काम करना है ऐसे ही, चार्जर की पिन ली और इस चांद के साथ साथ आपको यहां से यूं घिसाई करनी है टाइट, कभी ऐसे गोल गोल घुमा दिया तो कभी ऐसे रगड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 मिनट इस पे लगा लो और 2-3 मिनट इस पे लगा लो डेली, किसी भी टाइम, खाना खाने के बाद, पहले, जब भी आपको टाइम मिले, दोनों पैरों में करो। एक बार करते ही 50% रिलीफ आपको मिलने वाला है, सिर्फ इतना करो। अगर कोई एक्सरसाइज करते टाइम आपको दिक्कत आ रही है, एक्सरसाइज बेशक छोड़ दो, ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर कर सकते हैं बैठे बैठे दिन में जब भी टाइम मिले, इन पे काम करना है। आपकी साइटिका जो नर्व है उसका कंप्रेशर है, उसका ब्लड का दबाव है, वो वहां से रिलीज होगा और आपको दर्द में राहत मिलेगी। अब खाने पीने में क्या सावधानी रखनी है वो भी ध्यान दें, खट्टी और ठंडी चीज बिल्कुल नहीं लोगे आप, ज्यादा गर्म भी नहीं खाओगे, ज्यादा गर्म खाने से साइड इफेक्ट हो जाते हैं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ा सा जलन हो जाना,
क्योंकि ज्यादा गर्म, जैसे कई लोग कहते हैं कि हम लहसुन का दूध पीते हैं साइटी का दूर हो जाएगा। एक बात सोचो, जब कोई चीज यूं दो हड्डियों के जोड़ ने पकड़ ली, अब ये पेन ही मैंने पकड़ लिया यूं, ये दो वर्टिब्रा हैल 5S1 और इसने साइटी का नरों को पकड़ रखा है। अदरक का दूध पी लो, काली मिर्च का पी लो, दालचीनी खा लो, लहसुन पी लो, कुछ भी खा लो, आप कितनी भी दवाइयां खा लो, जब तक आप इस नाड़ी के ऊपर से इन दोनों वर्टिब्रा का दबाव नहीं हटाओगे तब तक कोई फायदा नहीं है। तो जो मैंने एक्सरसाइज बताई है, जब आप अपनी हिप्स बोन को अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करोगे ना, तो ये दबाव यहां से हटेगा जो टाइट हो गए हैं जोड़। तो एक्सरसाइज डेली रूटीन से करें। स्टार्टिंग में दर्द होगा क्योंकि मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल है, मैं सुबह शाम योगा कराती हूँ। आपका जो गैप है ये दोनों हिप्स के बीच का, ये गैप जिस दिन कम कर लोगे ना और नीचे आपके हिप्स टिक गए, उसी दिन आपके सारे दर्द चले जाएंगे। तो बोन अलाइनमेंट कर लो, मसल्स अलाइनमेंट अपने आप हो जाएगी, और जो आर्टरी अलाइनमेंट है आपकी, वेजल्स अलाइनमेंट है, वो भी हो जाएगी, सर्कुलेशन इक्वल हो जाएगा बॉडी का, और छोटी मोटी सारी बीमारियां क्योर। तो इसीलिए मैं आपको ये सारी टिप्स देती हूँ कि आप सिर्फ डाइट से या लहसुन का दूध पी के या खट्टी ठंडी चीजें बंद करके या सिर्फ पॉइंट पॉइंट दबा करके दर्द को नहीं निकाल सकते। पहले एक्सरसाइज होगी, फिर पॉइंट दबेंगे ताकि सर्कुलेशन इक्वल हो, फिर आपको खाने पीने का ध्यान रखना है, तब जाके आप बिल्कुल परमानेंट ठीक होंगे। तो इतना सा ध्यान रखना है, हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, थोड़ी हल्दी डाल लें, अगर हल्दी से भी आपको जलन होती है तो वो भी अवॉइड कर दें। बस खट्टी और ठंडी चीज ना लें, अचार ना लें किसी टाइप का भी, नींबू का सेवन ना करें, और खाली पेट चाय पीने से बचें। खाली पेट वाली चाय पूरा दिन आपको तंग करेगी, वो खाली पेट वाली जो चाय है ना, वो यूं लगा लो जैसे आपने एसिड का कप पी लिया, और वो एक कप एसिड सुबह वाला वो पूरा दिन डिस्टर्ब रखेगा। बस अगर नहीं रुका जाता तो दो पैर बाद ले सकते हैं आप थोड़ी चाय, जो घर में सबसे छोटा कप है वो ले लें, क्योंकि वो एसिड नस नाड़ियों में जाएगा ब्लड के साथ, और वहां जाके नर्व की मोबिलिटी को, स्ट्रेंथ को खत्म करेगा धीरे धीरे ना। विटामिन B12 को जाने दे, क्योंकि एसिड जहां भी होगा वहां पे लूज और फ्री करेगा, हर चीज को कमजोर करेगा। तो थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं करना, जो मैंने बताया है इसको फॉलो कर लें, डेली अभ्यास करें। आपका साइटी का बिना मेडिसिन के अपने दोनों हाथों से अपनी खुद की मेहनत से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो क्या चाहते हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।